दोस्तों कोलकाता से आरसीबी की हारने पर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई को बड़ा फायदा देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी की हार के बाद पूरा पॉइंट्स टेबल का आंकड़ा पूरी तरह बदल चुका है और हम इस पूरी वीडियो में पूरी पॉइंट्स टेबल का आंकड़ा समझने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों कोलकाता और आरसीबी के बीच फुल पैसा वसूल मैच खेला गया। दोस्तों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ये फैसला बैंगलोर का पावर प्ले तक तो सही साबित हो रहा था, क्योंकि दोस्तों वेंकटेश अय्यर और मनदीप सिंह के अलावा नीतीश राणा 5 रन भी नहीं बना सके। लेकिन दोस्तों गुरुवार ने 44 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली, के अलावा रसल भी 0 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों एक टाइम कोलकाता की टीम 150 रन भी बनाने में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह की मैदान पर एंट्री हुई तो इन दोनों महारथियों ने पूरी पिक्चर को बदल दिया। शार्दुल ठाकुर ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करके 29 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 33 गेंदों में 46 रन बनाए और बेंगलोर को 204 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया। दोस्तों पहली पारी में बेंगलोर की ओर से डेविड बिली और करण शर्मा ने 2-2, जबकि सिराज और माइकल ब्रेसवेल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों बेंगलोर की टीम बैटिंग करने उतरी, जिसमें कोहली और फाफ डू प्लेसिस सस्ते में निपट गए, जिन्होंने 21 और 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा की घातक बॉलिंग की वजह से बेंगलोर की टीम ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई और 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 123 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें कोलकाता ने बेंगलोर को एक तरफा धोकर 81 रनों की बड़ी जीत हासिल कर ली। कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 जबकि सुरेश शर्मा ने 3, इसके अलावा सुनील नारायण ने 2 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में आरसीबी की हार के बाद पॉइंट्स टेबल का आंकड़ा काफी हद तक बदल चुका है। तो आइए दोस्तों फटाफट पॉइंट्स टेबल के आंकड़े को समझते हैं। दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 2 मैचों में 2 जीत के साथ गुजरात टाइटंस 4 पॉइंट लेकर टॉप पर है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम दोनों मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट लेकर दूसरे नंबर पर काबिज है, जबकि दोस्तों बेंगलोर को हराकर केकेआर की टीम को जबरदस्त फायदा मिला है, जो 2 पॉइंट लेकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि दोस्तों राजस्थान की टीम 1 हार और 1 जीत के साथ 2 पॉइंट लेकर चौथे नंबर पर है। तो वही लखनऊ की टीम 1 हार और 1 जीत के साथ 2 पॉइंट लेकर 5वें नंबर पर है, जबकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स 1 हार और 1 जीत के साथ पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट लेकर 6वें नंबर पर बनी हुई है। तो वही हैदराबाद दिल्ली और मुंबई की टीमें 0 पॉइंट लेकर पॉइंट्स टेबल में निचले पायदान पर है। दोस्तों आज होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में आप किस टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आपको आईपीएल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।